नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के सूर्य ग्रहण, आतंक या अवसर, इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उनकी तरह तपना सीखो। यहां तो लगता है कि ग्रहों की पूरी कैबिनेट ही मानो कोरोना ग्रस्त हो गई हो। आज देश और दुनिया में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरह से हालात ठीक नहीं है, और ऊपर से ग्रहों की चाल आने वाले 101 दिन में बिगड़ी हुई नजर आ रही है। 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसने हम सब की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया है कि क्या कोरोना पर काल बनकर आया है सूर्य ग्रहण। क्या भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ेगा? नौकरी जाएगी, बचेगी, व्यापार में मंदी आएगी या फिर नए व्यापार के अवसर बनेंगे? और साथ में ऐसा लगता है कि युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो 20 हमारे वीर जवानों की शहादत हुई है, युद्ध में और भी बहुत सारी शहादत हो सकती है। क्या आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान और नेपाल को उनके किए की सजा मिलेगी? ये सब कुछ ग्रहण ने हम सब की जिज्ञासा बढ़ा दी है। प्रिय साथियों, मैं आपको आने वाले 101 दिन में घटने वाले कुछ ग्रहों के आंकड़े दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ग्रहों की कैबिनेट कैसे डैमेज हो रही है। देखिए, 21 जून से लेकर 29 सितंबर तक का जो 101 दिन का समय है, इसे आप समझिए। 21 जून को सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण, 25 जून तक 6 ग्रहों का वक्री होना, काल के कारक राहु 23 सितंबर तक पीड़ित, कर्म के कारक शनि 29 सितंबर तक वक्री, भोग और विलासिता के कारक शुक्र 25 जून तक वक्री, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता के गुरु 13 सितंबर तक वक्री, व्यापार और बुद्धि के कारक बुध भी 12 जुलाई तक वक्री, वहीं 30 जून से लेकर 23 सितंबर तक देवताओं के गुरु बृहस्पति का केतु के साथ चांडाल दोष, आर्थिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। वर्तमान में सूर्य और राहु के साथ 16 जुलाई तक ग्रहण वैसे भी बना हुआ है, 2 अगस्त तक बुध और राहु का जड़त्व दोष रहेगा। इन सब के बीच ये जो 101 दिन का जो समय है, हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से देश और दुनिया के लिए ठीक नजर नहीं आ रहा है। यहां पर हो सकता है कि युद्ध ना हो, परंतु युद्ध के हालात और इसके बीच में कुछ ही दिनों में, अगले 7 दिनों के भीतर भीतर कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है जो युद्ध के हालात को पनपा दे। आप याद रखिएगा, अगले 101 दिनों तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिति को संभालना खुद पड़ेगा। इस समय विशेष में जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वयोवृद्ध, गरीब लोग, आदिवासी और दूर जंगल और पर्वतों में रहने वाले लोगों के लिए नई योजनाएं बन सकती है, लेकिन उनके लिए समय ठीक नहीं है। वही जो लोग ज्ञान देते हैं, आचार्य, ज्योतिषी, साहित्यकार, विद्वान जगत और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो रिसर्चर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। लेकिन जो लोग विस्फोट करते हैं, देशद्रोही है, आतंकी है, किसी प्रकार से नेगेटिव चीजों का प्रचारक और प्रसारक है, हिंसाशील काम के लिए कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए काल बनकर आया है कोरोना और साथ में सूर्य ग्रहण। चाइना, पाकिस्तान के लिए ठीक समय नहीं है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है अगले 101 दिनों में जो ग्रहों की चाल बता रही है कि हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा हो जाए और हम सबको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस हो। वाहन, उपवाहन, घर और जो कोई वस्त्र और आभूषण है, लोहे का काम है, पशु जाति है, इन सब के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है ग्रहण। सूत, कपास, चावल, चांदी, सोना, मशीनरी, कलपुर्जे, लोहा, इस्पात, हल्दी, मसूर, मिर्च आदि के व्यवसाय के लिए लाभ का समय इस वक्त रहेगा। शिक्षक, पत्रकार, लेखक, व्याख्याता और कथावाचक के साथ धर्म उपदेशक, ज्योतिषी, आध्यात्म के काम करने वाले लोगों के लिए मैंने शुरुआत में कहा था अच्छा रहेगा। अगर आप चांदी, सोना, सूत, कपास, चावल, कुछ किसी प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में अतिवृष्टि, आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, भूकंप, त्रासदी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और साथ में दिल्ली और जो भी हमारा नॉर्थ का इलाका है, वहां पर कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। किसी बड़े नेता या अभिनेता की मृत्यु या हत्या की भी संभावना यहां पर बनती है। बॉर्डर पर हालात और हलचल ठीक नहीं रहेगी, और इस बात को जरूर याद रखें
कि देश और दुनिया में हिंदुस्तान का मस्तक कभी झुकेगा नहीं, और यह ग्रहण हमारे पड़ोसी देशों के लिए वाकई में काल बनकर ही आया है। आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज सूर्य देता है। याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में कहा था आतंक या अवसर। आतंक ऐसा बताता है कि आने वाला समय हमारे लिए जो जो मैंने सेक्टर्स बताए उनके लिए खराब जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां कहां हो सकती है। जो लोग नए यानी स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग खेती करना चाहते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो लोग छोटी छोटी चीजों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। जो भी लोग हैं फूड एंड बेवरेजेस का काम करेंगे, उन लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप स्टार्टअप के साथ साथ किसी नए क्रिएटिविटी या अनुसंधान करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए याद रखिएगा, ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोलते भी हैं। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए और ग्रहण में डरने घबराने के बजाय इसे अवसर लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि तुला दान आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर में किसी भी इंसान की कोई भी राशि हो, अपने वजन के बराबर आपको 7 रविवार, 3 रविवार या 1 रविवार को वजन के बराबर भोजन की सामग्री, कुछ तेल, कुछ सामग्री, खाने पीने की जो भी चीजें हो सकती है, जो सामर्थ्य है, वो आपको अपने हाथ से जरूरतमंद लोगों को डोनेट करना चाहिए। ग्रहण के बहुत सारे स्पेशल एपिसोड्स में ऑलरेडी दे चुका हूं, जिनका आप सहारा लीजिए। व्यापार और नौकरी के लिए आने वाले 101 दिनों में आर्थिक मंदी के हालात बड़े जबरदस्त आ रहे हैं, इसलिए उसे बचा कर रखना हमारे लिए कड़ी चुनौती और एक अवसर भी होगा। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं ईश्वर से और सूर्य देवता से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका ख्याल रखें। आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।